लुटेरी दुल्हन में एक्चुअल में क्या है कि हालिया खेड़ी पंचायत है यहाँ पे, हालियाखेड़ी गांव है, वहाँ का विपिन पंडित करके एक फरियादी है जिसने शादी के लिए जो अपनी लड़की देख रहा था कि शादी मेरी हो जाए, तो उसको जो है यहीं का लोकल का छिदगांव मोजी का एक उधम सिंह है, उसके माध्यम से उधम सिंह ने इनको जो है राम सिंह और एक साजिया जो सपना बनी थी, इसकी जो पत्नी बनी थी सपना शर्मा, तो हालियाखेड़ी का जो फरियादी है उसके साथ इन लोगों ने, तीनों ने गैंग बनाकर आपस में मिलकर उसके साथ जो है लड़की की शादी करवा दी सपना की, जो कि एक्चुअल नाम उसका साजिया है। और शादी करवाने के बाद वो चार दिन उसके घर पर रुकी, और घर पर रुकने के पश्चात वो लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 1,65,000 रुपये और जो है ज्वेलरी लेकर जो है फरार हो गई थी। ऐसी घटना हमारे संज्ञान में आई थी वरिष्ठ अधिकारी गण के माध्यम से, जो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर से पुलिस ने तुरंत ही 419, 420, 34 IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था और पूरी गैंग को जो है आइडेंटिफाइड करके दो लोगों को वर्तमान में अरेस्ट किया है, एक का पुलिस रिमांड भी लिया गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना में कितने लोग शामिल हैं? पूरी घटना में अभी पूरी लुटेरी गैंग जो है उसमें, लुटेरी दुल्हन गैंग में 3 लोग शामिल है जिसमें एक बिचौलिया है और एक राम सिंह है जो लड़की का पिता बना था और एक वो साथी है जो दुल्हन बने थे। इनके पूर्व में भी कोई अपराध? हाँ, जो राम सिंह है जो लड़की का पिता बना था वो सजा याफ्ता है, पूर्व में मानव तस्करी अपहरण के केस में जिला इंदौर में वो MG रोड थाने में मतलब गिरफ्तार हुआ था और उसको सजा भी पड़ चुकी है अभी 2023 में ही वो।